नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा रेलवे टीटी के बारे में। काफी लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे टीसी कोई बोलता है, कोई टीटी बोलता है, कोई टीटी बोलता है। तो आज मैं बात करूंगा इसके बारे में, एज क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफिकेशंस के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सारा कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि जितने भी वीडियो बनाते हैं उसमें टीसी से रिलेटेड जानकारी के लिए जरूर कोई ना कोई कमेंट कर देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी जाए, जिससे आप लोगों को ये जानकारी हो जाए कि अप्लाई कौन कौन कर पाएगा, एज लिमिट कितनी होती है, क्या इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आईटीआई जो किया है वो अप्लाई कर पाएगा, या फिर जो नॉन आईटीआई है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। सारा कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई यदि क्वेश्चन सवाल होगा तो आप लास्ट में ही कीजिएगा, क्योंकि आप हो सकता है आपके क्वेश्चन का जो जवाब है वो इसी वीडियो में मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टीसी और टीटी के बारे में। काफी लोग कहते हैं टीटी बनना है और कुछ लोग कहते हैं टीसी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टीटी होते हैं वह टीसी से अपर ग्रेड उनका होता है, वो उनसे ऊपर होते हैं। जो प्राइमरी सिलेक्शन होता है वो टीसी का होता है, अर्थात उनका टिकट चेकर इनको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। बाकी टीटी जो बनते हैं उसके बाद उनको ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर बोलते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अंतर इसका पता होना चाहिए, नहीं तो काफी लोग कहते हैं टीटी का फॉर्म भरें कि टीसी का फॉर्म भरें। आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो टीसी का अप्लाई करते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी। क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। 12th में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि साइंस साइड से रहें या फिर आर्ट साइड से रहें, इसमें साइड का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से रह सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर, जैसे आर्ट साइड से हैं, बायो से हैं, मैथ से, कोई भी, इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आप किस सब्जेक्ट से 12th किए हुए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आपका 50% मार्क होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो जो एज है वह आपकी वह 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन आप जनरल कैटेगरी के हैं तब। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका 18 से 33 एज भी मान्य होगी, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। यदि आप SC ST से आते हैं तो आपका 5 साल का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, जिसमें आपकी 35 ईयर एज है, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये जो आपको ग्रेस मिलेगा वह अपर एज के लिए मिलेगा, ना कि 18 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से कि ये टीटी का पेपर कब होगा या फिर वैकेंसी कब आएगी। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, रेलवे ने बहुत से नोटिफिकेशन जारी किए हैं, कैलेंडर भी जारी कर दिया, जिसमें ALP और NTPC और ग्रुप डी सारी वैकेंसी की जानकारी दे दी है, लेकिन कहीं पर भी टीटी की जानकारी नहीं है। तो यदि आपको फेक कोई जानकारी दे रहा है कि इतनी वैकेंसी आ गई या फिर आने वाली है, तो बिल्कुल उस पर विश्वास ना कीजिएगा। अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगा, लेकिन अभी तक जो रेलवे की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा या फिर कब इसकी वैकेंसी आएगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि 2024 के लास्ट तक उम्मीद ये ज़रूर जता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज आ गई हैं, तो TT का बचा हुआ तो वो भी आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन 100% ये कोई डेट नहीं दी गई है कि इसी डेट पर अभी आ जाएगी। तो आप लोग तैयारी जारी रख सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इसका तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, रेलवे के लगभग सारे एग्ज़ाम मैं बता दूं कि जिसमें GK GS रीजनिंग मैथ और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आपका थोड़ा कभी कभी सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो वो नोटिफिकेशन जब आता है सिलेबस उसको देख के कन्फर्म किया जाता है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में आप यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे का जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। अगर बुक की बात करें तो बुक के लिए मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो बना दिया है, फिर भी मैं आपको आइडिया थोड़ा सा दे देता हूँ। GK GS के लिए लूसेंट मैंने बताया था, रीजनिंग के लिए किरण की बुक मैंने बताई थी, और साइंस की बात करें तो NCERT की आप ले सकते हैं या फिर स्पीडी की ले सकते हैं, दोनों बुक मेरे हिसाब से ठीक है। और मैथ की बात करें तो RK राजपूत भी अच्छी बुक है, RK राजपूत काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है मैथ के लिए। तो आप इन चारों बुक में से जो आपको अच्छी लगती है आप ले सकते हैं, या फिर आपको इससे भी अच्छी कोई बुक समझ में आती है तो आप लेके पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।